रजी अल्लाह ताला अन्हु ने हदीस बयान की कि हजरत उसैद बिन हुजैर रजी अल्लाह ताला अन्हु एक रात अपने बाड़े में किरात कर रहे थे कि अचानक उनका घोड़ा बिदकने लगा। उन्होंने फिर पढ़ा, वो दोबारा बिदका, फिर पढ़ा, वो फिर बिदका। उसैद रजी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, मुझे खौफ पैदा हुआ कि वो मेरे बेटे याहिया को रौंद डालेगा। मैं उठकर उसके पास गया तो अचानक छतरी जैसी कोई चीज मेरे सर पर थी, उसमें कुछ चराहों जैसा था। वो फजा में बुलंद हो गई, हत्ता कि मुझे नजर आना बंद हो गई। कहा, मैं सुबह को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गया और अर्ज की, ऐ अल्लाह के रसूल, उस इसना में कल मैं आधी रात के वक्त अपने बाड़े में किरात कर रहा था कि अचानक मेरा घोड़ा बिदकने लगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इब्ने हुजैर पढ़ते रहते। मैंने अर्ज की, मैं पढ़ता रहा, फिर उसने दोबारा उछल कूद की। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इब्ने हुजैर पढ़ते रहते। मैंने कहा, मैंने किरात जारी रखी, उसने कुछ बिदकर चक्कर लगाने शुरू कर दिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इब्ने हुजैर पढ़ते रहते। मैंने कहा, फिर मैंने छोड़ दिया। मेरा बेटा याहिया उसके करीब था, मैं डर गया कि वो उसे रौंद देगा, तो मैंने छतरी जैसी चीज देखी, उसमें चराहों की तरह की चीजें थीं। वो फजा में बुलंद हुई, हत्ता कि मुझे नजर आनी बंद हो गई। उस पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो फरिश्ते थे जो तुम्हारी किरात सुन रहे थे, और अगर तुम पढ़ते रहते तो लोग सुबह को देख लेते, वो उनसे ओझल न होते। सही मुस्लिम, हदीस नंबर 1859।